क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? कई हिंदुस्तान के 150 करोड़ में गोली आओ, लो रामपुर वालों से चुनाव। अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। सियासी हिजो, अरे अगर मर्दानगी होती तो चुनाव होता। ये चुनाव था, गई पार्लियामेंट मेंबरशिप, गई गई असेंबली, गई जूते की ठोकर पे गई। जानते हो क्या मजाज है? जब हमारे नमक हराम तुम्हारी बगैर नमक की रोटी खाने चले गए। गई पार्लियामेंट मेंबरशिप, गई गई असेंबली, गई जूते की ठोकर पे गई। जानते हो क्या मजाज है? तुम्हारे इस फकीर साथी का वजीर था मैं, दिल्ली गया हुआ था दौरे पर। टेलीविजन पर खबर आई कि सपोर्ट वापस हो गई गवर्नमेंट की। मैं बाहर निकला, सड़क के पार गया, अपने हाथ में अपनी अटैची ली। न पीए, न स्टाफ, न सिक्योरिटी। डीटीसी की बस पकड़ी, दिल्ली के रेलवे स्टेशन आया, टिकट लिया और रामपुर चला आया। और याद भी नहीं रहा कि कुछ देर पहले मैं फसीर भी था। बताओ, कभी कोई शान, कभी कोई शौकत, कभी मेरी गाड़ी में हुटर की आवाज, हॉर्न की आवाज रामपुर वालों सुनी है किसी ने? इसलिए कि मुझे उनके कानों के पर्दे ज्यादा अजीज थे, आज भी है और कल भी होंगे। हमने ये शहर और सियासत का ये नक्शा उत्तर प्रदेश पर 4 बार कब्जा यूं ही नहीं किया। घर की मुर्गी दाल बराबर कुछ समझ लो, लेकिन 4 बार हुकूमत तुम्हारी मजबूत मुट्ठी के बगैर नहीं बनी है। और यही वजह रही कि खजाने की जिस बटन पर उंगली रख दी हमने, उस तिजोरी का थाला खुल गया रामपुर वालों तुम्हारे। विकास करोगे, विकास लिख नहीं सकोगे कागज पर, तुम्हारे कलम में रोशनाई ही कहां है। अरे राजनीतिक नामर्दों, सियासी हिजो, अरे अगर मर्दानगी होती तो चुनाव होता। ये चुनाव था, ये राजनीतिक हिजड़ापन था। सारा करते हैं, चुनौती देते हैं, अरे आसमान तुझे करा करके कहते हैं कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ में गोली आओ, लो रामपुर वालों से चुनाव। अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। राजनीतिक हिजड़ों यह चुनाव था, पुलिस की ताकत पर शर्म करो। रामपुर वालों क्या चाहते हो आप मुझसे और मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से? क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है, बचा लो आज भी निजामे हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ, आगे बढ़ेंगे वापस नहीं जाएंगे।
वोट डालेंगे। ये हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे दो बार छीना गया है, अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। मैं बहुत दूर तरह के अंजाम से आगाह करने आया हूं आपको, अपने एहसास के बंद दरवाजों को खोल दो और अच्छी तरह ये समझ लो कि फातिमा जबी नगर पालिका की कैंडिडेट नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए सब्र की वो अलामत है जिसका वायदा कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने तुमसे किया है। जब हमारे नमक हराम तुम्हारी बगैर नमक की रोटी खाने चले जाए, कुत्ता भी यही खाता वो रोटी जिसमें नमक ना हो, गोश्त खाता है बगैर नमक का, मगर तुम्हें कहां गोश्त मिलेगा शीशोए वालों? बताओ इस महफिल में कोई कमी है? अगर इस गली से चार ठोकने वाले चले जाएं तो 40 और आ जाएंगे। बस इतना ही हुआ है, मगर हम भी ठेला मार रहे हैं। ठेला देखो मारा ढेला सवार में क्या होता है जानते हो? बड़ा सेहतमंद कुत्ता लेकर आओ, मगर जंजीर पकड़ के रखो हाथ में और फिर मारो ढेला, बड़ी जोर से भौंकेगा। जब पूरा भाग चुके दोबारा ढेला मारो, फिर भौंकेगा और एक वक्त आएगा कि तुम्हारे पास ढेले तो रह जाएंगे पर कुत्ते का मुंह खुलता बदल जाएगा। आवाज आओ, आवाज आओ, इंशाल्लाह तुम्हारे हाथों में ढेले होने चाहिए, पत्थर नहीं इस कंगे वाले ढेले। और फिर देखना सिर्फ मुंह खुलता और बंद होता नजर आएगा। पहले में कहीं हारे आसन राजा ना विधानसभा हारे हैं, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो देश की सबसे बड़ी कुर्सियों पर बैठ कर रहे पार्लियामेंट की जीत और विधानसभा की जीत के बारे में ये कह चुके कि हमने रामपुर भी जीत लिया। रामपुर वालों, 150 करोड़ के हिंदुस्तान में तुम्हारे रामपुर की सीट का जिक्र हिंदुस्तान के वजीर आजम ने किया है, तुम्हारी यह हैसियत है। इतना डरते हैं तुमसे, इतना खाइफ है, और ये खौफ मेरी जात का नहीं है, न मेरे वजीर होने का, न मेरे एमपी एमएलए होने का, बल्कि ये खौफ है तुम्हारे और हमारे इत्तेहाद का और हमारे बीच के एतमाद का। जब तक हमारे और आपके बीच का एतमाद बाकी है, हमारी ये ताकत बाकी है। क्या हुआ विधानसभा के सदस्य रहे ना रहे, एक शख्स जो नौजवानी की मंजिलें पार भी नहीं कर सका है, उसकी दो बार विधायकी खत्म कर दी गई। मेरा और अब्दुल्ला का वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया। ये इतिहास, ये तारीख लिखी जा रही है, और तारीख के इस दौर का हिस्सा हो आप रामपुर के लोगों, जब इस दौर की कुर्बानी लिखी जाएगी और होने वाले मसालिम लिखे जाएंगे तो जुल्म में और जुल्म की बर्दाश्त में रामपुर वालों को खड़ा ऊपर नाम होगा। जो लोग आज कह रहे हैं कि संविधा की नगर पालिका, पूरा देश संविधा पर है, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए, बोर्ड बिक गए, रेलवे बिक गया,
बचा ही क्या है, सिर्फ फौज रह गई है, वो हुकूमतें हिंद के पास है, वो रहनी चाहिए। हमारी फौज और सरकारी फौज दो अलग चीजें हैं। हमारी फौज आप हैं और हमने इस फौज को हर महाज पर लड़ा कर देखा है और हर महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल की है। Hello, hi. 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 Hello, hi.